আজানুলম্বিত ভুজৌ কনকাবদাদৌ সংকীর্তনৈঃ কবিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ বিশ্বাম্বরৌ বিজবরৌ যুগধর্মপালৌ বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে নমামি গঙ্গে তব পাদ পঙ্কজম সুরাসুরৈর্বন্দিতো দীপরূপম মুক্তিঞ্চ মুক্তিঞ্চ দদাসিনি ত্বম ভাবানুরূপেণ সদা নরানাম গঙ্গাতরঙ্গরমণীয়জটাকলাপম গৌরীনিরন্তরবিভূষিতবামভাগম নারায়ণো প্রিয়মনঙ্গমদাপহারম বরানসিপুরপতি ভজবীশনাথম বাগীশযুষ্মবদনে লক্ষ্মীর্যশ্চ চ বক্ষসি যস্যাস্তি হৃদয় সম্বিত ত্বম নৃসিংহমহম ভজে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে এবং প্রকৃতি বৈচিত্র্যাদ্ভিদ্যতে মতয়োনিনা পারম্পর্যেন কেষাঞ্চিত পাশুন্যমতয়ো অপরে এবং প্রকৃতি বৈচিত্র্যাৎ ভিদ্যতে মতয়ো নৃণাম পারম্পর্যেন কেষাঞ্চিত পাশুন্যমতয়ো অপরে শ্রীল গৌড়ীয় গোষ্ঠীপতি শ্রী শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী বহুবা পরমহংস জগদ্গুরুজি নে বতায়ে जब से गौड़ीय भजन में सारे मायावादी लोग धीरे धीरे वैष्णव का वेश लेकर वैष्णव संप्रदाय में घुस गया तब से संप्रदाय का हालत बहुत खराब हो गया। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए जब से मायावादी लोग अपना वैष्णव वेश धारण करके गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में घुस गया तब से संप्रदाय का हालत बहुत खराब है। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी गोपाल जी ने बताए जब तक मायावाद जगत में रहे जब तक मायावाद इस जगत में कायम रहे तब तक शुद्ध भक्ति प्रचार का कोई सुविधा नहीं होगी। श्रील प्रभुपाद जी ने बताए जब तक मायावाद विचार इस जगत में कायम रहे तब तक शुद्ध विचार शुद्ध भक्ति प्रचार का कोई सुविधा हो नहीं सकता, असंभव है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहते थे प्रीचिंग कैन बी डन बोथ वे, वन इज नेगेटिव वे अनदर इज पॉजिटिव वे। प्रचार दो तरीका से हो सकता है, एक है नेगेटिव पोजिटिव प्रीचिंग है, अनदर है दूसरा है पॉजिटिव प्रीचिंग। नेगेटिव प्रीचिंग खूब फास्ट है, नेगेटिव प्रीचिंग बहुत फास्ट है, लेकिन नेगेटिव प्रीचिंग का असर जो है बहुत नुकसानदायक है, बहुत डेंजरस है। पॉजिटिव प्रीचिंग बहुत स्लो, लेकिन पॉजिटिव प्रीचिंग के द्वारा
जगत में आत्यंतिक मंगल हो सकता है, परम मंगल हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव प्रीचिंग वेरी स्लो, धीरे धीरे हो सकता है, धीरे धीरे, इसका प्रोसीजर वेरी स्लो। इस बात को क्यों उठाया, पापा जी ने उदाहरण दिया, जैसे कांशो दंतोभर को, शिशुपाल, जरासंधो, ये सब तमाम जो व्यक्ति है असुर है, ये भगवान श्री कृष्ण का बड़ा भारी प्रचार कर दिया, बड़ा भारी प्रचार कर दिया, लेकिन नेगेटिव वे में। कांशो दंतोभर को, शिशुपाल, जरासंधो, ये सारे भगवान श्री कृष्ण का लिए बड़ा भारी प्रचार कर दिया, लेकिन ये प्रचार नेगेटिव प्रीचिंग है, लेकिन वेरी फास्ट प्रीचिंग। और आज कंसो ने कृष्ण को मारने का कोशिश किया, शिशुपाल ने भगवान का साथ शत्रुता किया, जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को मारने का, काटने का कोशिश किया, दंतोभर्गो ने दार का आक्रमण करके सारे जदुवंशों को नाश करने का कोशिश किया, इसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण का बड़ा भारी प्रचार हो गया, वेरी फास्ट प्रीचिंग। लेकिन पॉजिटिव प्रीचिंग बहुत स्लो है, पॉजिटिव प्रीचिंग बहुत स्लो है, जैसे गोपियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का भक्ति का प्रचार जो हुई है, ये बड़ा अद्भुत प्रीचिंग, लेकिन ये प्रीचिंग साधारण प्रीचिंग नहीं है, ये आम आदमी कोई समझेगा नहीं, आम आदमी कुछ समझेगा नहीं। प्रहलाद महाराज जी का प्रीचिंग भी समझो, फिर भी प्रहलाद महाराज जी का प्रीचिंग जो है वो भी स्लो है, बहुत कम आदमी प्रहलाद महाराज जी का बातें समझने के लिए तैयार है, और ब्रजवासियों का बारे में क्या कहे, वो तो मोस्ट रेयर, इसका बारे में कहना ही क्या है। ब्रजवासी का प्रीचिंग, विशेष करके गोपियों का प्रीचिंग, भगवान श्री कृष्ण का भक्ति कैसे किया जाए, ये जो भक्ति का प्रीचिंग है वेरी वेरी रेयर, ये समझने का आदमी दुनिया में एक दो तीन करके मिलेगा नहीं, बहुत रेयर। हमारा गौड़ीय साधन में गौड़ीय भजन का गुप्त रहस्य जो है, गौड़ीय भजन का मकसद क्या है, गौड़ीय भजन कैसे किया जाए, इसका बारे में एक छोटा सा श्लोक मिलता है, ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा अप्रूव्ड है, ये है आराध्य भगवान ब्रजस्तनयस्ताध्याम वृंदावनम राम्मा काचित उपासना ब्रजवधि वर्गेन या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणमवलम प्रेमा पुमार्थ महानो श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम तत्ताधरण करा। इसमें खुल्लम खुल्ला बताया गया गौड़ीय भजन का एक झांकी, गौड़ीय भजन क्या है, कैसे किया जाए, व्हाट इज द फाइनल आउटकम, इसका बारे में एक झांकी दर्शन हो जाए तो इसमें आराध्य भगवान ब्रजस्तनयस्ताध्याम वृंदावनम राम्मा काचित उपासना ब्रजवधि वर्गेन या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणमवलम प्रेमा पुमार्थ महानु श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम तत्ताधरण करा। मतलब साधो साधन तत्व का संबंध विधियों प्रयोजन सारे इसमें सिनॉप्सिस दिया गया। लेकिन हमारा ही गौड़ीय संप्रदाय में जब मायावादी लोग वैष्णव वेश लेके घुस जाता है, ये लोगों का प्रीचिंग जो है बड़ा डेंजरस प्रीचिंग है, ये लोगों का प्रीचिंग के द्वारा गौड़ीय संप्रदाय का नहीं, सिर्फ गौड़ीय संप्रदाय के सारा पृथ्वी का नुकसान पहुंचता है, क्योंकि ये लोगों का प्रचार में विशेष कुछ नहीं है,
ये लोगों का प्रचार का विषय है लाभ पूजा प्रतिष्ठा को कलेक्शन करो और आदमी को बोगा बनाओ, पैसा को इकट्ठा करो, बस यही है। ये आसुरिक पिचिंग, इसको आसुरिक पिचिंग, इसको आसुरिक प्रचार बोला जाता है। इसके द्वारा जगत का मंगल होना तो दूर की बात है, जगत की इतना नुकसान हो जाता है, इतना नुकसान पहुंचता है कि इसका बारे में बोलने का कुछ है नहीं। काल शंकर भगवान का बारे में बोलते बोलते यहां तक पहुंचा जे वैष्णवानंद यथा संभव। एक तरफ ये विचार है, दूसरा तरफ शंकर भगवान भगवान श्री कृष्ण का आदेश के द्वारा मायावाद विचार शरीरक भाष्य का स्थापना किया। जो शरीरक भाष्य किसी बात का हिम्मत नहीं कि उसका खंडन करे, इतना जबरदस्त विचार है उसमें, इतना टेस्टी विचार है कि आम आदमी उसमें उसका भरकाप में आ जाता है। बहुत सुंदर विचार। एकमात्र वैष्णव लोग छोड़कर परम वैष्णव जो गुरु परंपरा का अनुसार भगवत भजन करना चाहते हैं, वास्तविक रूप से गुरु परंपरा का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रहा है, वो लोगों के लिए संभव है। मायावाद विचार में क्या गलती है, क्या नुकसान होता है, सब शुद्ध वैष्णव लोग छोड़कर बाकी किसी को पता नहीं चलता। काल हमने बताया वैष्णवानंद यथा संभव एक तरह भगवत जी महापुराण का विचार है जिसको खंडन करना संभव नहीं है, क्योंकि अभी बताया श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अवलम प्रेमा पुमार्थ महानो श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम तत्तादरण अपरा। भागवत जी महापुराण छोड़कर दूसरा कोई अमल प्रमाण विमल प्रमाण होता ही नहीं। तो वैष्णवानंद यथा संभव इस तरफ है, दूसरा तरफ भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने बताए मायावाद भाष्य सुनिले हॉय सर्वनाश। मायावाद का भाष्य श्रवण करने से सत्यनाश उपस्थित होता है, इसका बारे में दो शब्द हम कह देंगे थोड़ा बात। दूसरा बात यह है मायावादी कोई व्यक्ति को दर्शन करने से शौचेल कपड़ा का साथ नाना जरूरी है, अपने को पवित्र बनाना जरूरी है। दूसरा तरफ है चैतन्य महाप्रभु साक्षात परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने हमको दिखाया कैसे शंकर तत्व को आदर करना है, परम आदरणीय तत्व है। चैतन्य महाप्रभु वाराणसी रहते हुए 2 महीना लगातार शंकर भगवान का दर्शन के लिए जाया करते थे, गंगा पानी डाला करते थे, बहुत सारे घटना हैं। और मैंने यहां तक की बताए कि नवद्वीप लीला में चैतन्य महाप्रभु का जोगपीठ में चैतन्य महाप्रभु का जो मंदिर है अपना, वहां शिव भक्तों आने से महाप्रभु छलन लगा कि उसका सर पर उठ के नृत्य करता है, इतना आनंद। बहुत सारे दक्षिण भारत का जो प्रचार प्रसार है, ये प्रचार प्रसार में जहां जहां शंकर भगवान का मूर्ति है, मूर्ति मतलब लिंग है, हर जगह महाप्रभु जी ने जाके सम्मान किया, दर्शन किया, ये सारे विचार आता है। और दूसरा तरफ विचार है, एट द सेम टाइम विचार है जे शंकर संप्रदाय जो मायावाद संप्रदाय है, मायावादी है, इसका भी एक कहानी है। भागवत जी महापुराण में हम अंग्रेजी कथा में चर्चा कर रहा था उस दिन शिवरात्रि का तिथि, जो शंकर भगवान का बारे में वैष्णव लोगों का जो विचार है
जो शंकर तत्वों का बारे में वाकिबहल नहीं है, जानते नहीं है, वो लोग उल्टा बोलते हैं शंकर भगवान का अर्चन करने से, पूजा करने से, शंकर भगवान का चरणामृत प्रसाद देने से आप पखंडी बन जाओगे, आप गिर जाओगे। ये लोग का विचार उल्टा है, जानता नहीं। भागवत जी महापुराण में जो दक्ष यज्ञों का प्रसंग आता है, आज जहां गया था दक्ष यज्ञ प्रसंग में ये प्रसंग आता है, जब ये दक्ष प्रजापति खामाखा ये वैष्णवानाम यथाशंभु शंकर भगवान को गाली गलाज किया, अपमान किया। इसके बाद शंकर भगवान वहां से उठ के चले गए और नंदिया का साथ भृगु महाराज का शाप प्रतिशाप चलने लगा। इस शाप और प्रतिशाप में बहुत सारे कहानी है, मैं उतना बोलने का टाइम लेना नहीं चाहूं। वहां एक लिखित है भागवत जी महापुराण में, जे भृगु महाराज जे अभिशाप दिया, जो लोग जो भृगु महाराज ने ये अभिशाप दिया, जो व्यक्ति शिव ना ये हमारा नंदिया आना, भृगु महाराज ने अभिशाप दिया जे जो व्यक्ति शिव व्रत धारण करे वो लोग पाखंडी बन जाए, वो पतित हो जाए, ये आदेश किया। लेकिन हमारा विश्व जगत का विचार है, हम वो जो भृगु का अभिशाप वाले, भृगु का अभिशाप का जो विषय है, हमारा जो शंकर तत्व है इसको स्पर्श नहीं करता, क्योंकि हम लोग ये जो सदाशिव तत्व है इसका आराधना करते हैं। जैसे जोग माया का बारे में हम बताएं, जोग माया का जो शैडो रिफ्लेक्शन है, जोग माया का जो रिफ्लेक्शन है, ये जगत छाया है, ये छाया है, ये महामाया, ये माया, महामाया का पूजा करे जगत, जगत का आदमी दुर्गा, दुर्गा का आदमी सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये व जस्व भुवना विवर्ति दुर्गा है जस्यानुरूपम विचेष्टतेषा गोविंद माधु पुरुषम तमाम भजामी। ये जो छाया दुर्गा, छाया ये जो हमारा जो माया है उसका छाया माया है, ये महामाया। ऐसे ही शंकर भगवान जो है आदि शंकर जो है, मतलब जो ओरिजिनल शंकर तत्व है वो सदाशिव तत्व है, ये सदाशिव तत्व है, ये वैकुंठ तत्व है, ये जो शिव तत्व है हम जो पूजा करते हैं वैष्णव लोग, वो है ये जगत का जो आदमी शंकर तत्व का आराधना करते हैं, माया में उलझे हुए हैं ये लोगों का जो विचार है, हमारा विचार ये नहीं। हमारा अर्चन है सदाशिव शंकर भगवान, जो सदाशिव है अद्वैत गोसाई सदाशिव का विचार है। अभी ये प्रसंग चर्चा करना जरूरी है, जे शंकर भगवान का जो बिहेवियर है, आचरण है, इतना अद्भुत है। एक तरफ शंकर भगवान का भगवत प्रीति, जिसका बारे में भागवत जी महापुराण से हम श्लोक बताया, निम्न गानम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम तु इदं भागवत। एक तरफ ये विचार है, इससे बढ़कर बड़ा वैष्णव नहीं है, मतलब शंकर भगवान परमंश वैष्णव है, शंकर भगवान अवधूत है, बाहरी दृष्टि में उसका तिलक माला दिखाई नहीं पड़ता, बाहरी दृष्टि में शंकर भगवान का तिलक माला दिखाई नहीं पड़ता। काल ये श्लोक भी बताया था, ये परमंश गुरु वैष्णव अवधूत गुरु वैष्णव का बाहरी वेश तिलक माला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गौरकिशोर बाबा जी महाराज का बारे में हमने बताए, कभी कंठी माला नहीं है, तिलक नहीं है, जपने का माला भी चोरी हो गया, बहुत सारे ऐसा घटना है। बाबा जी महाराज का माला चुरा के ले जाते थे और बाबा जी महाराज ऐसे ही कपड़ा में गिट्ठू देकर माला करते थे, हाथ में काउंट करके पागल में भी दौड़ते थे। वैष्णव का कोई सिम्टम नहीं है,
ना तो तिलक माला है ना तो कुछ है, कुछ नहीं है। तो ये परमंश अवधूत जो है ये लोगों को कोई जरूरी है नहीं। ज्ञानोनिष्ठ विरक्तो वा मद्भक्तो वा अनपेक्षकः स्वलिंगानम आश्रमम त्यक्ता चरेत अविधि गोचरा दे आर बियॉन्ड एनी रूल्स एंड रेगुलेशन, हमने बताया था। ठीक है, चलो भागवत जी महापुराण का विचार है, बहुत सारे विचार इकट्ठा करके देखा जाए तो शंकर भगवान का माफी को विश्रम नहीं होता। मतलब अद्वैत गोसाई सदाशिव है, अद्वैत गोसाई, अद्वैत गोसाई गोपेश्वर महादेव अद्वैत गोसाई है, ये जो गोपेश्वर महादेव है अद्वैत गोसाई है। अब ये प्रश्न आता है, अगर भगवान शंकर वैष्णव है तो शंकर भगवान क्यों भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का साथ बीच बीच में लड़ाई झगड़ा कर देते, क्यों, क्या कारण है, कुछ तो कारण होगा। चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत पाठ करने से देखोगे कि हमारा अद्वैत गोसाई का कहने से बुलाने से चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। अद्वैत गोसाई का सदाशिव का आराधना करने से चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, लेकिन फिर भी अद्वैत गोसाई का चैतन्य भागवत चैतन्य चैतन्य पाठ करो देखोगे बीच बीच में, बीच बीच में अद्वैत गोसाई इच्छा करके बीच बीच में बोलता है ये अगर मेरा भगवान है तो ये करके दिखाए, बीच बीच में ऐसा। भगवान यहां नवद्वीप में प्रकट हुए नयापुर में, अद्वैत गोसाई इच्छा करके शांतिपुर में है, शांतिपुर में है, यहां नहीं है। जबकि अद्वैत गोसाई का पता है ये भगवान होती न हुआ और गया नहीं, बाद में क्या हुआ अद्वैत गोसाई जोग माया सीता देवी अपना पत्नी को भेज दी अपना शक्ति को भगवान को पूजा करने के लिए, फिर भी अपने खोद नहीं आए, बहुत सारे कारण है। बाद में चलते हुए देखो कितना बार प्रमाण किया है कि ये मेरा प्रभु है, अद्वैत गोसाई को बहुत सारे बार प्रमाण हुआ है। अद्वैत गोसाई एक एक बार बोला ये अगर मेरा भगवान है, ये अगर वही है, ये अगर वही है जिसको मैं बुलाया वो अगर है तो ये करके दिखाए, बार बार ये बोलते रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत बार प्रमाण हो चुका है। उसका बाद भी जब चैतन्य महाप्रभु जी ने अष्ट प्रहर लीला प्रकाश किया, अष्ट पूरा भगवान का प्रकट सिंहासन में बैठ के मायापुर शिवास आंगन में सिंहासन में बैठ गया शालग्राम को गोदी में लेकर और भगवान का रूप प्रकट किया और एक एक करके आदेश दिया क्या किसका पास क्या है ला मेरा पास, तब भी अद्वैत गोसाई तब भी फिर बताए महाप्रभु को पता है जे ये अद्वैत गोसाई अद्वैत का अभी भी डाउट है, अद्वैत का अभी भी डाउट है कि मैं वही हूं कि नहीं हूं। तो श्रीराम पंडित आदि अद्वैत गोसाई का जो भाई है इसको खोद शांतिपुर में भेज दिया, तो जा शांतिपुर में जाके खबर दे मैं प्रकट हुआ तेरा भगवान जिसके लिए तू आराधना किया आ जा, भेज दिया श्रीराम पंडित सिंह सब जाके खबर दिया। खबर देने के बाद अद्वैत गोसाई ने फिर से बोला तू चले जा, बोलना नहीं कि मैं मायापुर आ रहा हूं, प्रभु को बोलना आया नहीं, इतना ही बोलना। आज जाके अद्वैत गोसाई क्या की, अद्वैत गोसाई एक भक्तों का घर में, एक भक्तों का घर में छुप गया, पर अगर मेरा भगवान है मेरा तो उधर से बुलाएगा जा, मैं जाके नंदन आचार्य भवन में छुप गया। यह गौरंग महाप्रभु चिल्लाना शुरू कर दिया जाओ उसको लाओ उस घर में है उसे लाओ, लाके फिर साष्टांग दंडवत किया अभिषेक कराया, अभिषेक लिया अद्वैत से, बहुत अद्वैत गोसाई और सीता ठाकुरानी जोग माया दोनों ने एक साथ तप किया अभिषेक किया सब कुछ किया। फिर भी बात आगे चल के भी बोलता है ये अगर मेरा ही भगवान है
तो मेरे को दिखाए विश्वरूप दिखाए, मेरे को विश्वरूप दिखाए, तो अद्वैत गोसाई को विश्वरूप भी दिखा दिया, अनंत ब्रह्मांड सब दिखा दिया। अब मेरा यह सवाल होता है, अगर सदाशिव विष्णु तत्व है, क्योंकि प्रमाण है, अद्वैत गोसाई के बारे में चर्चा है, महाविष्णु जगत कर्ता माया जो सृजति अदह तस्वतार एवयम अद्वैत आचार्य ईश्वर। सदाशिव का साथ महाविष्णु का कोई भेद नहीं है, इसका बारे में चर्चा करने का टाइम नहीं है। अभी प्रश्न होता है, अगर शंकर भगवान वैष्णवानम यथा शंभु है तो यूं ऐसा क्यों कर रहा है, बार बार बोल रहा है मेरा भगवान है तो प्रमाण ये दिखाए, मेरा ये प्रभु मेरा है तो ये दिखाए, क्या क्या कारण क्या है, ये तो जरूरी है जानना। ये तो अगर सदाशिव है, ये अगर विष्णु तत्व है, सारे मान लिया, लेकिन क्यों ऐसा कर रहा है बार बार, इसका कारण समझना जरूरी है। इसका कारण इसलिए है, जैसे परीक्षित महाराज कोई बोका आदमी नहीं है, परीक्षित महाराज इज नॉट ए फुलिश पर्सनैलिटी, परीक्षित महाराज बोका नहीं है। परीक्षित महाराज के बारे में भागवत में चार पांच जगह परीक्षित महाराज जी का बारे में लिखा हुआ है, एशो महाभागवत, ये महाभागवत है। तो महाभागवत का जो सिम्टम है, महाभागवत का जो सिम्टम है, किसी भी तरीका से ये प्रमाण होता नहीं कि परीक्षित महाराज बोका आदमी है। क्यों? अगर बोका आदमी है तो इतना ऐसा प्रश्न क्यों कर रहा है। अगर बोका आदमी नहीं है, महाभागवत है, भागवत में लिखा हुआ है, जन्म कुंडली के टाइम में ऋषि मुनियों ने बताया युधिष्ठिर महाराज को, महाराज एशो महाभागवत है। बाद में आगे चल के और कई बार, चार पांच बार लिखा हुआ भागवत में डायरेक्ट, ये महाभागवत है। महाभागवत का सिम्टम क्या है? भगवान में अचल भक्ति, अटूट विश्वास, भगवान का स्मरण अटूट भाव से हृदय में रह जाता है, ये प्रमाण है महाभागवत का। तो फिर परीक्षित महाराज का जो क्वेश्चन है, किस लिए है परीक्षित महाराज का जो क्वेश्चन है, ये तमाम दुनिया जगतवासी का लिए क्वेश्चन, इच्छा करके अगर परीक्षित महाराज के तरफ से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, भागवत जी महाप्राण कैन नॉट स्टार्ट। अगर परीक्षित महाराज ने कोई क्वेश्चन नहीं किया होता तो भागवत जी महाप्राण का जो प्रचार संभव नहीं था। इच्छा करके परीक्षित महाराज ने क्वेश्चन किया, और क्वेश्चन किया हमारा जगतवासी का तरफ से, एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल ह्यूमन सोसाइटी, विश्ववासी का तरफ से परीक्षित महाराज रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है। आप प्रतिनिधि होके जो क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन ऑर्डिनरी क्वेश्चन, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी क्वेश्चन, ये इंटरनेशनल क्वेश्चन है। परीक्षित महाराज का क्वेश्चन जो है, इट्स एन इंटरनेशनल क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज के जो क्वेश्चन है, ये तमाम जगतवासी, जितना जगतवासी है, हर एक जगतवासी का तरफ से यही क्वेश्चन आना जरूरी था। एज ए ह्यूमन बीइंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वॉज जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन, स्वाभाविक था, लेकिन किया नहीं। अथो पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परम गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमानुष्य सम्भवः। ये कोई मामूली क्वेश्चन नहीं है, इट्स एन इंटरनेशनल क्वेश्चन। जो क्वेश्चन परीक्षित महाराज ने किया है, ये इंटरनेशनल क्वेश्चन, हर एक जगतवासी का ये क्वेश्चन करना जरूरी था। और ये क्वेश्चन करने का बाद जो उत्तर आया परीक्षित सुखदेव गोस्वामी का तरफ से, ये भी सुनने का लायक है, भागवत जी महापुराण है। इसीलिए
तो महापुरुषों का ये जो लीला है, कभी कभी ऐसा भी होता है साधारण आदमी समझते नहीं। जैसे शंकर भगवान तो भगवान है, शंकर भगवान भगवान है, लेकिन शंकर भगवान अवधूत वैष्णव है, वैष्णवानंद जैसा शंभु। और अर्जुन, अर्जुन भी कोई मामूली आदमी नहीं है, अर्जुन भी कोई साधारण आदमी नहीं है। अर्जुन कोई ऐसा नहीं कि जड़ जगत का कोई बद्ध जीव है। बट अर्जुन जब क्वेश्चन क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन करने का टाइम पे लग रहा है कि मानो कि अर्जुन एक बद्ध जीव है। जब अर्जुन क्वेश्चन कर रहा है तो ये लग रहा है कि अर्जुन इज एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, लेकिन अर्जुन भगवान का पार्षद है, अर्जुन ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। लेकिन फिर भी अर्जुन का तरफ से ये सब क्वेश्चन आया है, अगर ये सब क्वेश्चन नहीं आया होता तो गीता का शुरुआत नहीं होता, गीता का शुरुआत होना संभव नहीं था। गीता का शुरुआत इसलिए हुआ कि वो क्वेश्चन किया, बार बार पल पल में एक उत्तर देना शुरू कर दिया कृष्ण। वो क्वेश्चन करते रहे और उत्तर देते रहे, ऐसा करते करते पूरा गीता का पूरा भाग, श्रीमद् भागवत गीता का। तो ये जो अर्जुन है, ये जो परीक्षित महाराज है, ये कोई साधारण आदमी नहीं है। ये लोगों का क्वेश्चन आंसर जो है ये हमारा लिए फायदादायक है। और हमारा इस सदाशिव अद्वैत गोसाई का जो डाउट्स है, अद्वैत गोसाई सारे ह्यूमन बीइंग का तरफ से, तमाम जगतवासी का तरफ से, क्योंकि पूरा जगतवासी, जितना सारे जगतवासी हैं, वैष्णव छोड़ के, वैष्णव का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जितना जगतवासी है, दे हैव वन और अदर काइंड ऑफ डाउट्स, सम और अदर काइंड ऑफ डाउट मस्ट बी देयर। बद्ध जीवों का ये सिम्टम है, बद्ध जीवों का ये सिम्टम है, बद्ध जीव का अंदर में डाउट रहेगा, संशय, क्या वैष्णव क्या बोलते हैं, क्या होगा, बद्ध जीवों का ये सिम्टम है। अगर बद्ध जीव है तो उसका अंदर में हर वक्त डाउट रहेगा, क्यों ऐसा है, यही तो ठीक है, हर वक्त डाउट रहेगा। ये डाउट होना स्वाभाविक है। एक डाउट बद्धजीव का हमने देखा हमारा बारे में, एक डाउट गया, दूसरा डाउट आ गया, उसका जवाब मैंने दिया, तीसरा डाउट आ गया, तीसरा डाउट गया, चौथा गया, ऐसा करके पूरा बाद में उखा के फेंक दिया उसका डाउट को। डाउट होना स्वाभाविक है। अगर डाउट नहीं है तो बद्धजीव नहीं है, डाउट नहीं है तो बद्धजीव है ही नहीं, डाउट होना वो स्वाभाविक है। और बद्ध जीव हर वक्त जितना प्रमाण दो ये भगवान है, ये साक्षात परापर, साक्षात परापर कैसे माने, ऐसा होगा। अद्वैत गोसाई इसका बारे में जानते थे, अद्वैत गोसाई इस बारे में जानते थे, तो बद्ध जीवों का तरफ से एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल ह्यूमन बीइंग, बद्ध जीवों का तरफ से इच्छा करके अद्वैत गोसाई बद्ध जीवों का तरफ से अद्वैत गोसाई सदाशिव इच्छा करके एक के बाद दूसरे तीसरा क्वेश्चन करते रहे, डाउट, क्योंकि डाउट करे तो भगवान खुद उसका समाधान करेगा, उसका प्रमाण रह जाएगा। वो डाउट करे और महाप्रभु उसका प्रमाण दे दे, उसका बात प्रमाण रह जाएगा बद्ध जीवों के लिए, है ना। इसीलिए अद्वैत गोसाई सदाशिव इच्छा करके भगवत तत्व का बारे में क्वेश्चन 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 डाउट सस्पेशन करते रहे। ये मेरा हम लोग का मंगल के लिए, सच पूछो तो अद्वैत गोसाई के अंदर में कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, किंतु वो तो सदाशिव है, महाविष्णु जगतकर्ता जो माया सृजति आदा तो सदाशिव है, ये तो महाविष्णु का सब अभिन्न है, इसका अंदर में डाउट कैसे हो सकता, वो तो खुद ही भगवान है।
भगवान के साथ अभिन्न है, तो इसका अंदर में डाउट होना कोई संभव नहीं है। लेकिन फिर भी इच्छा करके अद्वैत को सही एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा क्वेश्चन करते रहे, डाउट एक्सप्रेस करते रहे बद्ध जी को तरफ से, ताकि मां को एक के बाद दूसरा समाधान रख देंगे, वो लिखित रूप से हमारा शास्त्र में रह जाएगा, बाद में हमारा प्रमाण रूप में रह जाएगा। इसीलिए हमारा वृंदावन दास ठाकुर जी ने बताया, इतना समझाने का बाद में अगर ना समझे नित्यानंद तत्व, तब मैं लाथी मारना चाहता हूं उसका सर पे, मतलब अपना चरण का अमूल्य धूली धूलिकन उसका दिमाग में देकर उसका जो बीमारी है, उसका जो बीमारी है उसको हटाना चाहता हूं, अर्थात भगवत भक्ति देना चाहता हूं। सिमिलर केस है शंकर भगवान वैष्णवानाम शंभु हो, वैष्णवानाम जथा शंभु, फिर भी शंकर भगवान क्यों, क्यों शंकर भगवान एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा भगवान का साथ लड़ाई के लिए तैयार हो गया। देखो बोली महाराज का, बोली महाराज का जो पोता है, बोली महाराज का जो लड़का है बानासुर, बानासुर है, बानासुर का तरफ से क्या किया, साक्षात भगवान आए युद्ध करने और भगवान का अगेंस्ट में लड़ाई किया, वो भी अकेला नहीं, गणपति महाराज गणेश देव सबको लेके एक साथ लड़ाई का भगवान का विरुद्ध में। क्या कारण हो सकता, क्या भगवान शंकर नहीं जानता कि ये मेरा परदेवता है, क्या शंकर भगवान को जानकारी नहीं है कि ये मेरा इष्ट देव है, जानता नहीं क्या, किसलिए शंकर भगवान ने, किसलिए शंकर भगवान ने ब्रिकासुर को, किसलिए शंकर भगवान ने ब्रिकासुर को ये जो आपका वरदान किया, किसलिए शंकर भगवान ने वो जो हमने दंतोभर को जो है, दंतोभर को क्यों ऐसा किया, आशीर्वाद दिया, दंतोभर को क्यों आशीर्वाद दिया, एक प्लेन दिया, एक प्लेन ऐसा विमान दिया जो मन की गति में चलने वाला, और जो विमान गायब हो जाए, जो ओपोनेंट पार्टी है विमान अभी है विमान नहीं है, कुछ भी कर सकता है, और ये द्वारका वासी का ऊपर विपत्ति आ पड़े इस बर के कारण ना। तो शंकर भगवान का पास हम लोग का क्वेश्चन है, आपने ऐसा वरदान क्यों दिया जिस वरदान के द्वारा आपका इष्टदेव का इतना कष्ट आया, कष्ट पहुंचा, किस कारण है, ये सबका पीछे एक राज है, रहस्य है, ये सबका पीछे एक गुप्त रहस्य है। वो क्या है, शंकर भगवान को पता है कि ये मेरा इष्टदेव है, शंकर भगवान को ये भी पता है अगर मैं इष्टदेव का विरुद्ध में लड़ाई करूं मेरा पराजित होना स्वाभाविक है, अब पराजित होगा ही होगा, फिर भी इच्छा करके अपना इष्टदेव का महिमा को स्थापन के, जैसे हमने अभी शुरुआत में बताया कंसो ने कृष्ण को आक्रमण किया, शिशुपाल ने कृष्ण को आक्रमण किया, जरासंध ने कृष्ण का आक्रमण किया, ये आक्रमण के द्वारा कृष्ण का महिमा फैल गया जगत में। कंसो कृष्ण को मारने का कोशिश किया, कंसो मायावादी है, मायावादी का दो सिम्टम हम बता देंगे बाद में, किसने मायावादी कह रहे, मायावादी का बेसिक सिंड्रोम क्या है, मायावादी का बेसिक सिंड्रोम है या तो वो भगवान को उड़ा देगा शक्ति को, नहीं तो शक्ति को उड़ा दे, माया शक्ति को मानेगा नहीं, और शक्ति बिना शक्ति ब्रह्मों को माने, जैसे जरासंध बहुत यज्ञ करते थे, जरासंध इतना यज्ञ करते थे और दोपहर का टाइम में अतिथि वेला अतिथि का जो आने का टाइम, आने से किसी को भी लौटने नहीं देते थे बिना भिक्षा, इतना वैदिक नियम का अनुसार चलते थे, लेकिन वो असुर है, इतना वैदिक नियम का अनुसार वो अपना जीवन को चलाते थे,
फिर भी वो असुर है, क्यों? भगवान को नहीं मानते थे। इसका बारे में बाद में चर्चा करूं। तो ये जो आपका शिशुपाल का आक्रमण है कृष्ण के ऊपर, गाली गुलाज, ये जो जरासंध का कृष्ण का ऊपर आक्रमण 18 बार आक्रमण किया, ये जो इतना बार आक्रमण किया और कंस कृष्ण के मारने के लिए हाल हाथ में कोई कसर न छोड़ी, कोई कसर न छोड़ी मारने के लिए, बच्चा तक, छोटा बच्चा समय कृष्ण से पैदा हुआ। तो ये कंसों का, ये जो जितना सारे हरकतें हैं कंसों का, सारे हमारा कृष्ण का प्रचार का विषय बन गया। अगर कंस नहीं होता, कृष्ण का इतना फास्ट पिचिंग, कृष्णों का इतना फास्ट पिचिंग संभव नहीं था। लेकिन भगवान शंकर का साथ, लेकिन भगवान शंकर का साथ किसी भी हालत से मैं जरासंधो और कंसों का तुलना नहीं करना चाहा। मैं जरासंधो और कंसों का तुलना शंकर भगवान के साथ हर हालत में करना नहीं चाहा। लेकिन इस बात को उठाया इसलिए जे ये कृष्ण भगवान का प्रचार जल्दी कर दिया, प्रचार किया नेगेटिव कृषि, वो भी अनजाने से। उसको ये मोटिव नहीं था कि कृष्ण के बारे में प्रचार फैला दे, इसका मोटिव नहीं था। कंसों का कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि हम आक्रमण करेंगे, कंसों हमको आक्रमण करे और कंसों का बारे में प्रचार हो जाए, मोटिव नहीं था। लेकिन अनजाने में प्रचार हो गया। लेकिन वो जो हॉस्टैलिटी है, उसका जो लड़ाई है शत्रु, ये पक्का है। लेकिन शंकर भगवान का ऐसा नहीं है, शंकर भगवान का अंदर प्रेम से भरपूर है, ये वैष्णव है, इसका साथ तुलना नहीं है, एक जैसा लगता है। लेकिन शंकर भगवान का हृदय वैष्णव हृदय है, पूरा प्रेम से भरपूर है। फिर भी भगवान का महिमा को जगत में स्थापित करने के लिए, जो हम जो शंकर तत्व है, हमसे विष्णु तत्व भगवत तत्व बहुत ऊपर है। शास्त्रों में कई जगह प्रमाण है, कई जगह ऐसा प्रमाण है, शंकर भगवान कहा हुआ लिखित है, जो कोई अगर मेरा प्रभु का अनादर करके मेरा पूजा करे, उसके लिए मैं फांसी का फंदा बन जाऊं। कई बार शास्त्रों में बहुत जगह है, कोई मेरा प्रभु का अपमान करके मेरा पूजन करना चाहे, तो उसका लिए मैं फांसी का फंदा बन जाओ, मैं वो भक्ति नहीं देने वाला, मैं उसको नाश कर देंगे। जैसे ये बानासुर, इसका हजारों हाथ हो गया, वो कितना बदमाश है, वो शंकर भगवान को बोला हमारा हाथ में खुजली हो रहा है, इतना हाथ है, किसी का लड़ाई करने का मन चाहता है, लेकिन मेरा साथ टक्कर लेने वाला कोई है नहीं। अगर आप ही को देख, अरे हराम को, पर आप ही को लगता है एक मेरा जैसा है, आप ही का लड़ाई करे तो ठीक लगता है। अपना गुरु शंकर है, शंकर भगवान, वो इष्ट उसको साथ लड़ाई करना चाह, बोले मेरा हाथ में खुजली हो रहा है, किसी का साथ कोई मेरा साथ चक्कर नहीं ले सकता, एक आप ही हो। शंकर भगवान, तेरा खुजली उतर जाएगा, रुक जा थोड़ा देर। शंकर भगवान, तू रुक जा थोड़ा देर, तेरा खुजली उतर जाएगा, तेरा दिमाग खोपड़ी खोल देंगे हम। तो उसका बाद ही हुआ है, भगवान घचा घच सारे हाथ को केले का पेड़ कमा भी काट के छोड़ दिया। जब चार हाथ बाकी है तो शंकर भगवान कृष्ण का पेड़ में गिर गया, प्रभु मेरा आशीर्वाद है उसको, है आप अगर मारो तो ठीक नहीं है ना मेरा। भगवान हंस पड़े, बोलो मैं थोड़ी मारूंगा, मैं प्रहलाद महाराज का अन्वय मतलब वंश में, अन्वय मतलब वंश, प्रहलाद का वंश में किसी को मैं मारू नहीं, ये तो लिखित है, मैंने वरदान किया, तो मारने के लिए मैं काटा नहीं हाथ, उसका जो खुजली है, उसका जो अभिमान है, उसको उतारने के लिए मैंने किया, आप निश्चिंत हो मैं मारेंगे नहीं, उसको मारेंगे नहीं। चार हाथ छोड़ दिया भगवान, चार हाथ छोड़ दिया उसको। तो ऐसा करके देखे काशीराज,
काशीराज, काशीराज का काशीराज भी शंकर भगवान का वरदान से बड़ा पुंडरिक पुंडरिक जो आपने को वासुदेव बताया और द्वारका में गया, वासुदेव नहीं हूं मैं, वासुदेव हूं, तो भगवान ने हंस पड़ा, कितना लड़ाई झगड़ा हुआ। ये सारे जो मसला है, प्रमाण है, इसके द्वारा ये प्रमाणित होता है कि भगवान शंकर जैसे जैसे भगवान स्वयं शंकर का महिमा प्रचार करने के लिए दर्शन करने जाता है, पानी देता है, पूजन करता है और लिंगों का स्थापना, जैसे राम जी रामेश्वर स्थापन किया, ये सब इच्छा करके करता है कि अपना जो भक्त है, भक्तराज वैष्णव राज शंभु, इसको इसका जो महिमा है जगत में प्रचार प्रसार करने के लिए इच्छा करके ये सब किया है। जैसे कि जगतवासी शंकर तत्व अर्थात वैष्णव राज शंभु को मान्यता दे, उसका कृपा के द्वारा भक्ति प्राप्त हो। भागवत में, विष्णु पुराण में और कई सारे प्रमाण में, गर्ग संघ बहुत सारे प्रमाण हैं, मैं निकाल के दिखा दूं कि शंकर भगवान के कृपा के द्वारा, वैष्णव राज शंकर कृपा के द्वारा, शंकर भगवान के कृपा के द्वारा बहुत सारे व्यक्ति कृष्ण भक्ति प्राप्त हुए अर्थात वैष्णव हुआ है। ये आचार्यों का काम किया, शंकर भगवान और नारद जी महाराज। नारद जी महाराज खैर छोड़ो, अलग आचार्य, और ये जो है ये अद्भुत आचार्य अर्थात अवधूत आचार्य, इसका बारे में हर कोई को समझना संभव नहीं। मैंने काल भी इस बात को उठाया, ये शंकर भगवान को अपना जिगड़ी दोस्त समझता है भगवान, भगवान सोचता है कि मेरा दोस्त है, और इसीलिए जैसे बहुत कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंशियल विषय अपना जिगड़ी दोस्त सुर के बाहर का किसी को बोलना नहीं चाहिए, ऐसे ही भगवान ने इच्छा करके जो इंपॉर्टेंट सेवा है, गुप्त गुप्त सेवा है, जिसका बारे में किसी को बोला नहीं जाएगा, ना तो इंद्र वरुण किसी को बोला नहीं जाएगा, एकमात्र ब्रह्मा को भी नहीं। ब्रह्मा का, ब्रह्मा तो सोचता है मैं आपका बच्चा हूं, लिखा है भागवत, जैसे आप पिता हो मैं बच्चा हूं आपका, तो हमको तो क्षमा करोगे, आप सिखाओ, है भागवत जी महाप्रेम तीसरा स्कंध में है, दूसरा स्कंध में है, बहुत सारे प्रमाण है, देखोगे भगवान विष्णु का नाभि से पद निकाला, उसमें ब्रह्मा अपने को आविष्कार किया, उसका बाद तपस्या के बहुत सारे घटना है, उसका बाद भगवान ने दर्शन दी, बहुत सारे घटना है। तो ये जो है ब्रह्मा को भी ऐसा सेवा नहीं दिया है, ब्रह्मा को भी ऐसा सेवा नहीं दिया है जो सेवा शंकर भगवान को दिया है। एक एक करके दो चार प्रमाण देखे, मैं मायावाद जो विचार क्या विशेष है, शंकर भगवान को किस लिए भगवान श्री कृष्ण आदेश किया है, मायावाद को शरीरक भाष्य को प्रचार करो और मेरे को गोपन करो, जैसे को मेरे को कोई देख ना सके, भक्ति देना नहीं चाहूं मैं, आम आदमी को असुर आदमी को मैं भक्ति देना इच्छा नहीं, देने का इच्छा नहीं। एक एक करके देखो भगवान श्री कृष्ण का ये जो आदेश है शंकर भगवान का ऊपर, एक शंकर भगवान को ही आदेश किया दोस्त आपको जाना पड़ेगा, और इस जगत में आसुरिक प्रवृत्ति जो मानव है ये लोगों को मद विमुखम कुरु मेरे से विमुख करो, और इसीलिए काल भी बताया पार्वती देवी को शंकर भगवान कह रहे हैं मायावादम असशास्त्रम मयैव विहितम पूरा, मायावादम असशास्त्रम, मायावादम असशास्त्रो मेरे द्वारा मयैव विहितम पूरा, ब्राह्मण मूर्तिना, ब्राह्मण रूप से मैं ही जगत में जाकर मायावाद को स्थापना, खुद बताया मायावादम असशास्त्रम, शंकर भगवान खुद बताया पार्वती को मायावाद असशास्त्र है,
असत मतलब देर इज नो रियलिटी, देर इज नो बैकग्राउंड, ये फाउंडेशन नहीं है, निराधार है, निराधार है, बेसलेस है, ये ऐसा चमकीला है, ऐसा चमकीला है। ये फिलोसॉफी को देखने का बाद असुर बोले वाह बहुत सुंदर है, मैं ब्रह्म बन जाऊं अच्छा है। अरे ब्रह्म बनना संभव है? बद्ध जीव कभी ब्रह्म बन सके? ये कभी संभव है? बद्ध जीव टीनी शोर क्षुद्र जीव है, आंखों से देखा नहीं जा। बद्ध जीव इतना क्षुद्र है जिसका बारे में शास्त्र में प्रमाण है, बालग्र भागस्य शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, एक हेयर टिप, एक हेयर टिप जिसको देखा नहीं जाता है इतना सूक्ष्म, उसको 100 भाग करो और एक एक हिस्सा इसको 100 भाग करो और इस 100 भाग का एक एक भाग को फिर 100 भाग करो, उसका बाद जो स्वरूप हुआ। यहां तक कि ये जो वायरस बैक्टीरिया है ये भी माइक्रोस्कोप में देखा जाए, लेकिन माइक्रोस्कोप के द्वारा आत्मा को नहीं देखा जाए, संभव नहीं, इतना सूक्ष्म है। तो बद्ध जीव का प्रॉपर्टी का बारे में विचार करें, भगवान जैसे सच्चिद आनंदमय है, बद्ध जीव का अंदर में भी सच्चिद आनंद क्षुद्र एकदम इन्फिनिटिसिमल, इन्फिनिटिसिमल इतना क्षुद्र है, क्षुद्र पार्टिकल चित पार्टिकल है, चित कण है, उसका अंदर में भी भगवान का जो जो क्वालिटी है सच्चिद आनंद यही है, लेकिन क्षुद्र परिमाण में। भगवान विभु चैतन्य है, क्षुद्र चैतन्य है। तो दो चार प्रमाण हम पहले दे दे, उसका बाद मायावाद का थोड़ा विचार करके सभा को समाप्त करें। पहला विचार ये है जो मायावाद फैलाने के लिए भगवान अपना दोस्त शंकर को नियुक्त किया, किसी और को नियुक्त नहीं किया, क्योंकि यह बड़ा कॉन्फिडेंशियल सेवा है, किसी को जानकारी हो, जैसे परीक्षा का क्वेश्चन पेपर अगर लीक हो जाए तो मुश्किल है, एग्जाम बेकार हो जाएगा ना। तो यही जो है भगवान शंकर और पार्वती का भी पता नहीं था, पार्वती को भी पता नहीं, बाद में पता चला जब शंकर भगवान बोला, इसका पहले पता नहीं चला, ये कॉन्फिडेंशियल है, अगर फैल जाए बात हो तो नाटकबाजी है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का साथ शंकर का लड़ाई है, जो कुछ भी है हुआ, तो हर हालत में बहुत सारे बार लड़ाई झगड़ा हुआ बाहर में, ये भी अस्त्र निक्षेप किया, ये भी किया, बहुत सारे हुआ, लेकिन बाद में अगर विचार किया जाए तो देखा जाएगा ऑल गॉट अप केस है, सब गॉट अप केस, गॉट अप केस जानते हो बोका है। गॉट अप केस मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक आपस में चर्चा करके इच्छा करके गॉट अप लड़ाई, गॉट अप केस है, असली लड़ाई नहीं है। और जिस वजह से शंकर भगवान कृष्ण का पैर पकड़ लिया, प्रभु आप अगर मेरे को क्षमा किया, आपने मेरे को प्रेरणा देके आपका एगेंस्ट करवाया, आप ही तो ना, आप मेरे को हृदय में बैठा के आपका एगेंस्ट करवाया, मेरे को आपसे लड़वाया, मैं जानता हूं आपका कृपा के बिना कुछ नहीं होता, आप ही करवाया ना है? जैसे हमारा राय महाशय बोल रहे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु को, आप ही खुद हृदय में बैठा के मेरे को ये भागवत कथा सिद्धांत में बुलवाया, राय मुखे वक्ता स्वयं गौर राय, राय मुखे वक्ता स्वयं गौर राय, गौरंग महाप्रभु स्वयं वक्ता है लेकिन बाहरी विचार में राय रमन को कह रहा है। अर्जुन का हृदय में भी भगवान घुसकर इच्छा करके एगेंस्ट कर रहा है, मैं वो क्वेश्चन करे क्यों करूं, क्यों करूं, किसने, अगर क्वेश्चन ना हो तो आंसर नहीं हो पाए। परीक्षित महाराज के बारे में भी ऐसा है, लेकिन बोलने का टाइम नहीं, हम प्रमाण करके दिखा देंगे ऑल द अरेंजमेंट ऑफ जोग माया, लेकिन क्यों
एक प्रमाण देंगे। परीक्षित महाराज महाभागवत, परीक्षित महाराज का अंदर में कोई डाउट कृष्ण के बारे में नहीं हो सकता, लेकिन रासलीला का बारे में बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन छेड़ दिया। अरे क्या किया भगवान श्री ने, क्या किया तो उचित नहीं है, है? क्यों क्वेश्चन किया? बद्ध जीव का तरफ से क्वेश्चन किया। अगर नहीं क्वेश्चन किया होता तो हम लोग संसार में बहुत सारे क्वेश्चन होते। अरे देखो गोपियों का साथ, शतकोटि गोपियों का साथ। अगर परीक्षित महाराज ने क्वेश्चन नहीं किया होता तो सुखदेव गोस्वामी महाराज का उत्तर देने का स्कोप नहीं है, है ना? कितना सुंदर परीक्षित महाराज यहां तक भी क्वेश्चन किया, क्या है, है? धर्म संस्थापन करने के लिए भगवान उतार आए और वो ऐसा घटिया काम किया? ये तो धर्म संस्थापन करने के लिए आए। संस्थापन आयो धर्मस्य, प्रसमायो इतरस्य च, अवतीर्ण ही भगवान हरीश्वरा खुद बोल रहे हैं। जो भगवान धर्म को संस्थापन करने के लिए उतारा है वो भगवान ने ऐसा क्यों किया, है? क्यों ऐसा किया? आप तो काम जोधिपति ही, आप तो काम जोधिपति कृतवान वही जुगुप्सित आत्मकाम जोधिपति ही, आत्मकाम जोधिपति कृतवान वही जुगुप्सित वही माने निश्चितमेव आत्मकाम जदुपति। अरे जदुपति तो आत्मकाम है, आत्माराम आत्मकाम है, आत्मकाम जदुपति कृतवान वही निश्चितमेव, निश्चित रूप में गर्हित कर्म किया, घटिया काम किया, इच्छा करके होता है। क्यों? अगर क्वेश्चन ना हो तो उत्तर ना देंगे। उसका बात तो उत्तर आया ना, गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वेशाम सर्वेशाम एव गोपी नाम गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वेशाम एव, ये जो श्लोक है बार बार कहते रहते हैं, भूल गए अभी। गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वेशाम एव देही नाम जो अंतश्चरह सो अध्यक्ष किरण नेह देह भाग, याद आ गया। गोपी नाम तत्पति नाम, गोपी नाम तत्पति नाम सर्वेशाम एव देही नाम, गोपी छोड़ दो गोपी, गोपी गोपियों का स्वामी, गोपियों का जो स्वामी हस्बैंड है, गोपी नाम तत्पति नाम च, गोपी गोपियों का स्वामी का अंदर में या कोई भी प्राणी का अंदर में, भगवान ही तो परापर अखिलेश्वर विराजमान है ना, परमात्मा का रूप में परमात्मा तो भगवान ही तो है। तो देखो कितना उत्तर दिया सुंदर, गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वेशाम एव देही नाम जो अंतश्चरः स अध्यक्ष किरण नेह देवा, हु इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, हु इज द सुपर सोल, हु इज द एब्सोल्यूट पर्सनैलिटी, हु इज ऑल परवेडिंग लॉर्ड, साक्षात परात्पर अखिलेश्वर, वो हर हृदय में बैठा हुआ है। क्या नुकसान है कि ये तो हर कोई का पति है, गोपियों का असली पति कौन है? भगवान ही तो है, मेरा बात समझा नहीं? हर जीवों का पति तो एक ही है, हर जीवों का पति पति देवता एक ही कृष्ण है। तो क्या नुकसान है अगर भगवान परमात्मा रूप में विराजमान है, तो वो अगर बाहर में गोपियों का इच्छा पूर्ण करने के लिए अगर भक्तों का इच्छा मान तो गोपियों का लीला किया, ये भी कोई काम पूर्ति के लिए, एक मेटेरियल काम हो सकता? देखो अगर परीक्षित महाराज नहीं क्वेश्चन किया होता तो जगत का आदमी हंसी उड़ाते थे, हैं? मजाक उड़ाते थे, लेकिन आप मजाक उड़ाने का कोई चांस नहीं है। ठीक ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण ने बताया, आपने मेरा हृदय में बैठा कर मेरे को क्या किया, मेरे को द्वारा असुरों को वरदान दिलाया ना, और फिर भी बाद में लड़ाई झगड़ा हुआ, मैं भी मजबूर हूं,
मैं वरदान किया इसलिए उसका तरफ से लड़ाई करना पड़ा, लेकिन मैं इसके लिए शर्मिंदा हूं। आप मेरे को क्षमा किया तब हम समझे जब आप मेरे को सेवा दोगे। जब आप मेरे को सेवा दोगे तब हम समझेंगे। और एक बात बोले बीच में, जब शंकर भगवान ने बोले जो आपका आपका जो महिनी रूप है, ये महिनी अवतार मैंने नहीं देखी, देखा नहीं, तो आप जैसे असुरों को वंचन किए, अमृत 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 दिए, अमृत दान किए हैं, अमृत का बंटवारा किया ना, समुद्र मंथन के बाद एक शंकर भगवान ही है जिसको परमिशन मिला है, हु वॉज द ओनली पर्सनैलिटी इन द होल यूनिवर्स, नो वन वॉज रेडी टू एक्सेप्ट दैट पर्सन। ये हलाहल विष लेने के लिए कोई तैयार नहीं था, ब्रह्मा भी नहीं। एक शंकर भगवान का ऊपर आशीर्वाद हुआ आदेश, आपको ही पीना पड़ेगा। तो देखो ये हलाहल विष शंकर भगवान ने पान किया, पान करने का बाद विष को इस तक सीमित कर दिया। इसका नाम नीलकंठ है, क्योंकि पॉइजन भगवान हृदय में मेरा विराजमान है, मेरा भगवान इष्टदेव मेरा हृदय में विराजमान है। अगर पॉइजन को निगल लूं तो भगवान का जलन हो जाएगा, तो पॉइजन को यहां तक सीमित कर दिया, इससे इसका नाम हुआ नीलकंठ। तो देखो ये पॉइजन जो पान करने का, इसका भी कोई नहीं है, एक शंकर भगवान ही है। जब गंगा मैया उतार आई, वो भी कोई बाप का हिम्मत नहीं था, एक शंकर भगवान, भगवान का कृपा के द्वारा, किसी बाप का हिम्मत नहीं। तो ये हो सकता है कि शंकर भगवान असुर है, नहीं हो सकता, ये सब गोटअप केस है, सारे गोटअप केस है, कुछ नहीं है इसमें, कोई बात ही नहीं फैलता, इतना रहस्यमय चीज है। जब शंकर भगवान ने बताया, प्रभु आपका जो मोहिनी अवतार के समय में आई वॉज इन कॉन्शियस डेथ बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग द पॉइजन, ये पॉइजन पान कर लिया उसलिए मेरा बेहोश था, उसलिए आपका ये अवतार दिखने, आप हमको ये अवतार दिखा, नहीं नहीं वो दरकार नहीं है, क्या करो, नहीं ये अवतार हम देखेंगे। जब भगवान बोल रहे तुमको ये सब अवतार देखने का कोई दरकार नहीं, वो जो हो गया सो हो गया, मैं बंटवारा कर दिया अमृत देवता को, असुरों को नहीं दिया, तो मां हम देखेंगे। अरे छोड़ो, आप छोड़ो भी यार, क्या करो, नहीं हम देखेंगे, ठीक है कभी दिखा देंगे, जा बार बार देखना चाहे, पर आपका सब अवतार मैंने देखा है, बस ये अवतार का टाइम में हमारा अनकॉन्सियसनेस स्टेट में था, हम देखेंगे, चलो दिखा देंगे आपका, इतना इच्छा है। तो बाद में क्या हुआ, पार्वती और नंदिया, पार्वती है बाया तरफ, नंदिया है इधर, और होश नहीं है कि एक सामने अचानक दिखाई पड़ा, एक सुंदर गार्डन है, बगीचे है, इतना सुंदर एकदम नंदन कानन जैसा, और वहां एक सुंदरी रमणी, अरे बाप रे क्या है। शंकर भगवान देखते रह गए, क्योंकि है तो भगवान, ध्यान देना इसमें, बुरा नहीं समझना, फर्स्ट पॉइंट इज दैट ही इज भगवान हिमसेल्फ, भगवान इज द ओनली सोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ध्यान देना इस बात को, इस बात को खोला। आप ये नहीं बोल सकते लड़की है इसलिए शंकर भगवान देख रहे, सिद्धांत ये है, पहला बात है ये भगवान है, श्री कृष्ण है, भगवान स्वयं है, तो भगवान इज ऑल अट्रैक्टिव, चाहे लड़की लड़का कुछ भी रूप धारण करे, चाहे मत्स्य रूप धारण करे, भगवान अट्रैक्टिव है ही है, भगवान अट्रैक्टिव है। तो ये इच्छा करके भगवान जो ये मोहिनी रूप धारण करके जो सामने आई, इच्छा करके तो अट्रैक्शन हो रहा है, जबकि शंकर भगवान का बारे में बताया गया कोई इंद्र वरुण या किसी देवता का बारे में ऐसा एक
थप्पा स्टैंप नहीं है। एकमात्र शंकर भगवान को बोला जाता है मृत्युंजय काम जय, और किसी का ये टाइटल नहीं है। देवताओं में किसी का पास ये टाइटल नहीं है। ये थप्पा ये स्टैंप यूनिवर्सल स्टैंप है। एकमात्र शंकर भगवान है जो मृत्युंजयी है, मृत्युंजयी। और ये शंकर भगवान है जो कामजयी है, जिसको काम परास्त नहीं कर सकता। काम देवता ने जड़ जगत का काम देवता ने शंकर भगवान को डिस्टर्ब करने का कोशिश किया, उसको सताने का कोशिश किया। शंकर भगवान को ये प्राकृत कामदेव, अप्राकृत कामदेव नहीं, अप्राकृत कामदेव तो भगवान श्री कृष्ण है, एक प्राकृत कामदेव शंकर भगवान का साथ पंगा लेना चाहा। तो बाद में शंकर भगवान ने ऐसा करके देखा, किसका ओर देखा, प्राकृत कामदेव को। अब प्राकृत कामदेव जल के खाक हो गया। प्राकृत कामदेव जो शंकर भगवान ने गुस्से में आकर उसका ओर देखा, अरे इतना डिस्टर्बेंस कौन कर रहा है, ऐसा करके जब देखा तो कामदेव जल के खाक हो गया। अब सोचो साक्षात कामदेव आए जो पूरा दुनिया को तमाम दुखे नचा रहा है, ये लड़की लड़का के चक्कर में पैसा सब कुछ है, कामदेव करा रहा है, सारी कामदेव करा रहा है, ए लड़का का पीछे लड़की का पीछे दौड़ रहा है, सारे खिंचावट जो है सब ये कामदेव है, दिखाई नहीं पड़ेगा। कामदेव अदृश्य, इनविजिबल। कामदेव इज अ इनविजिबल एनिमी, कामदेव इज आवर इनविजिबल एनिमी, दिखाई नहीं पड़ता है, ये शत्रु है। काम एशो क्रोध एशो रजो गुणो समुद भव महाशनो महापत्ना विद्यनम एनम भैरम, बोला ना गीता में भगवान बोल दिया, तुम्हारा जो काम है तुम्हारे क्रोध है ये जो ये सब तुम्हारा शत्रु है। तुम बाहर में कहां शत्रु ढूंढने जा रहे हो, तुम्हारा शत्रु तुम्हारा अंदर में। काम एशो क्रोध एशो रजो गुण समद भव महाशनो महापत्ना विद्यनम एनम भैरम, ये तुम्हारा शत्रु है। तो सोच लो जो शंकर भगवान का इतना बड़ा ऑनर है, जिसका बारे में भागवत जी महाप्रण लिखा हुआ वैष्णवानंद यथासंभव, जिसका बारे में टाइटल है मृत्युंजयी, जिसका टाइटल है कामजयी, जिन्होंने जगत का हलाहल विष को पान कर लिया, वो आज चाहता है कि भगवान आपका मोहिनी मूर्ति मैं दिखा। आप अगर सोचो कि लड़की का पीछे शंकर पड़ गया तो हो गया आपका छुट्टी, अपराध हो जाएगा। एक उदाहरण दे दे, जैसे गाय बछड़ जब गायब हो गया, ब्रह्मा ने गायब कर दिया, जब भगवान ने इच्छा करके गौ बछड़ा का रूप धारण करके आए थे, तब का मेरा हरि कथा सुनना, वहां दिखा हुआ सब बॉयज में है, जे हर मैया अपना बच्चा को रोज देख रही है, लेकिन आज स्पेशल एड्रेस, क्योंकि अपना बच्चा तो नहीं है, आज जो आए हैं आज तो कृष्ण बच्चा बन गया है, बाकी तो गौ बछड़ा जो है तो गायब हो गया, ब्रह्मा ने गायब कर दिया। ध्यान दे इस बात पर, असली जो बच्चा है गो बछड़ा तो गायब कर दिया, और बाकी जो गो बछड़ा का रूप धारण करके स्वयं भगवान आए हैं तो उसके लिए खिंचावट तो स्वाभाविक है। इट्स क्वाइट नेचुरल दैट ईच एंड एवरी मदर, यहां तक कि गो माता अपना बच्चा बछड़ा इसके लिए अट्रैक्शन है, जबकि अभी का बच्चा है उसको छोड़ के वो बच्चा का ऊपर। तो शंकर भगवान को बोलो के लड़की का पीछे शंकर पड़ गया तो आपका अपराध हो जाएगा ना। पहला बात है, शंकर भगवान का लड़की देखने का कोई विचार नहीं है, जगत का कोई दृश्य देखना नहीं, इसलिए अर्धनिमिलितो नेत्र रहता है, जगत को देखना नहीं चाहता। मैंने उत्तर दिया कुछ दिन पहले आर्टिकल में, एक उत्तर दिया लिखा था अंग्रेजी में। तो भगवान जगत का, शंकर भगवान जगत का कुछ नहीं चाहते, तो कैसे लड़की मांगेगा। तो ये है, भगवान ने
वो देखना चाह, भगवान ने ठीक है तो थोड़ा मजा चखा दू, तो तू ही तो एक दोस्त है, तेरे को तू एक दोस्त है, तेरे को माइलस्टोन बना के जगत को एक एग्जांपल, एक माइलस्टोन स्थापित कर दू कि देखो मेरा माया कैसा है, जो शंकर जैसा है, जो काम जो मित वो भी हिल गया। ये तो कहावत है, इच्छा करते, क्योंकि ये नहीं होता। जैसे महाप्रभु छोटो हरिदास को पनिशमेंट देके जगत में एक उदाहरण स्थापन किया, छोटा हरिदास को स्थापन करके, गलती स्थापन करा के जगत में एक माइलस्टोन स्थापन किया। तो शंकर भगवान ने जब आंखें मिलकर देखा, अरे ये कितना सुंदरी है, अब बगल में पार्वती देवी है, वो भी कमती नहीं है, इतना सुंदरी है, भूल गया पार्वती बगल में खड़ी है, बोल गया लड़की का पीछे दौड़ना शुरू कर दी, लड़की का पीछे दौड़ना शुरू कर दी। लिखा है बाद में जब रहा नहीं गया और ये मोहिनी अवतार को ऐसे अपना लपेट में ले लिया ऐसा करके, तब शंकर भगवान को होश आया, क्यों क्यों ये जो मोहिनी मूर्ति है इसे कृष्ण प्रकट हो गया। किसमें क्या है, मैंने बोला था ना ये मत देखो, शर्मिंदा के सर झुकाया, क्योंकि शंकर भगवान का इतना सेल्फ कंट्रोल है, उसमें ब्रह्मचर्य तोड़ने का कोई बात ही नहीं पैदा होता, लेकिन इच्छा करके भगवान ने एक माइलस्टोन स्थापन किया। देखो शंकर भगवान जैसा काम जो ही है वो भी हिल गया, ऐसा करके स्थापन किया, इच्छा करके एक प्रमाण स्थापन किया। और शंकर भगवान ने भगवान श्री कृष्ण को बोला, अगर आप मेरे को क्षमा किया तो मेरे को सेवा दे दो, कैसे मैं मानू कि आप सेवा दिया, जैसे जगह माता बोला ना जगह, आप कैसे मानू आप क्षमा, सेवा दे दो, ठीक है चल ये घाट को साफा कर, सेवा दे दी और साफा करते थे। शंकर भगवान को इतना मांगने से कृष्ण बोला चलो हम तुमको मेन सेवा दे दे, कौन सी सेवा है, मेरा जितना सारे क्षेत्र है ना सब आप संभालोगे, जैसे क्षेत्रपाल शिव जी महाराज है ना, जैसे आपका भुवनेश्वर शंकर भगवान है, भुवनेश्वर ये पूरा पुरुषोत्तम क्षेत्रों को संभाल रहा है, ये भुवनेश्वर है शंकर भगवान, इसका भी दर्शन महाप्रभु जी ने किया, ये भुवनेश्वर बन के रह गया और पूरा धाम को संभाल रहा है, हमने लेके लोकनाथ आदि सब संभाल रहा है, और मथुरा में रंगेश्वर भूतेश्वर ये सब हैं, सब ये जो शंकर चारों ओर से संभाल रहा है, चारों कहीं भी जाओ आप जाओ देखोगे शंकर भगवान एक क्षेत्रों को संभाल रहा है, इसका लिए ये सेवा उसको मिला है और संतुष्ट हुआ है, इसीलिए भगवान ने सेवा दिया है, तुमको प्रधान सेवक के रूप में मैंने स्वीकार कर लिया। यहां तक कि शंकर भगवान गोपेश्वर महादेव के रूप में वहां राक्षस शरीर पे प्रकट होके विराजमान अवस्था में है, अभी भी है, नित्य रास लीला चल रहा है। अभी मैं जाना ये तो साबित हो गया ये ऑल गुड गोटा केस है, वैष्णव राज समूह का कोई गलती नहीं हो सकता, सारे क्रियाक्रम परमंश का, एक परमंश अवधूत, एक परमंश अवधूत का सारे क्रियाक्रम भगवान का कृपा का अनुसार होता है, प्रेरणा का अनुसार होता है, अपना मनमानी नहीं होता, लेकिन जगतवासी गलती कर दे, जगतवासी जाने नहीं। अब ये प्रमाण है हमारा वेदांत में जो विचार है, मायावादी लोग का उल्टा विचार है, हमारा वेदांत में जो विचार है, हमारा थिस्टिक वेदांत, जो हमारा थिस्टिक वेदांत है, जो गौड़ीय वेदांत है, या तो थिस्टिक वेदांत बोलते रामानुजय जर्ग विधान भी आ जाएगा, अगर हम बोले गोविंद वास्य तो हमारा एक्सक्लूसिवली हमारा गौड़ीय वेदांत आ जाएगा, बाकी जितना भी थिस्टिक वेदांत है, रामानुजाचार्य के द्वारा वेदांत स्थापन किया, माधवाचार्य के द्वारा, सारे
निम्बार्क विश्वास वेदांतों का स्थापित किया। सारे एथिस्टिक वेदांतों जो है इसमें कई जगह किसी भी जगह कोई भी जगह ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि भगवान शक्ति के अलावा न्यूट्रल जेंडर, ऐसा कोई प्रमाण नहीं। भगवान निराकार निराधार, भगवान का निशक्तिक है, ऐसा प्रमाण किसी भी जगह नहीं है। लेकिन मायावादी लोग ये प्रमाण करना चाहे, ये मायावादी लोग ये प्रमाण करना चाहे, क्यों? क्योंकि वो लोग निराकार मानने से उन लोगों को सुविधा होता है, वो लोग रूप गुण लीला परिकर वैशिष्ट ये सब मानने से क्या होगा, वो लोगों को मानना पड़ेगा जो एक शक्ति बोल के एक चीज है। आज लोग शक्ति मानते नहीं, बिना शक्ति भगवान का कोई लीला होता नहीं, बिना शक्ति भगवान का लीला होता है। जब भगवान का सृष्टि संपूर्ण रूपे क्लोज हो जाता है, भगवान का जो सृष्टि जब समा जाते हैं, भगवान का सृष्टि समा जाते हैं, ये सृष्टि हुआ, सृष्टि एक समय पूरा समा जाएगा, उसका बाद और टाइम आएगा जब भगवान और सृष्टि करने का व्यवस्था करेगा। ये जो शक्ति जो समा जाते हैं उस समय भगवान अकेला रहता है। जय 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 याम जित दो सुग्रीवित गुना तमसी यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग अग जग दो को साम किल सक्त बबोध कति। ये जो श्लोक है जय जय जही अजाम, भगवान आप अपना सारे इस श्लोक में है, क्या है? जय 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 याम जित दो सुग्रीवित गुना तमसी जदात्मना समवरुद्ध समस्त भग समवरुद्ध समस्त भगो समवरुद्ध समवरुद्ध सम्यक रूप से समवरुद्ध समस्त भगो समस्त भग माने जितना शक्ति है इन्फिनिट शक्ति सबको एकदम एक एक करके लेके आप अपना अंदर में ले लेते हो। बाहर में शक्ति का कोई प्रकाश नहीं है, जब शक्ति बाहर में प्रकाशित नहीं है तो शक्ति का साथ आपका लीला भी नहीं है, तो ये भगवान अकेला रहता है, कोई सृष्टि नहीं रहता है। कितना सुंदर विचार, ये तमाम जो सृष्टि है ये भगवान का माया का प्रकाश है, चैतन्य वहां पर प्रमाण किया। लेकिन ये लोग बोलता है ये इट इज जस्ट लाइक ड्रीम, हम जो देख रहे हैं ये पंचपात्र है, ये किताब है, सब कुछ ड्रीम। ये छागल को पूछो तो ड्रीम है, छागल तेरा शरीर भी ड्रीम है। उसको अगर कहे, वो अगर कहे महाराज साहब सपना है, संसार है ही नहीं, इट्स लाइक ए ड्रीम। अच्छा छागल तेरा शरीर भी ड्रीम है, तू क्यों खाता है? तेरा चप्पल से उतारू आरती, तू क्यों खाता है? तू जो बोलता है ड्रीम है, तेरा शरीर ड्रीम है, तेरा शरीर ड्रीम है, तेरा क्रिया कर्म पैसा इनकम कर सब ड्रीम है, तो पैसा दे दे हमको, वो नहीं देगा, प्रमाण नहीं कर सके ना, वो बकवास करे, बकवास, कोई प्रमाण नहीं कर सकेगा। तो ये मायावादी हर हालत में पराजित हो जाएगा। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है ये सब मायावाद क्षेत्रों में एक एक पावरफुल वैष्णव होनी चाहिए, लाइक वाराणसी हरिद्वार, एकदम आएगा काट के फेंक देगा मायावाद को, जा जानू में जा, लेकिन कोई नहीं है, खाओ पियो सो जाओ, ये हुआ, क्या करे। तो फिर मायावाद का जो विचार है, मायावाद बोल रहा है ऑल लाइक ड्रीम, संसार है ही नहीं सारे, और ब्रह्मो विकार ग्रस्त हो गया। मायावाद बोल रहा है ब्रह्म का विकार हो गया, अरे ब्रह्म का विकार कैसे संभव है? मायावाद बोल रहा क्योंकि वो लोग तो शक्ति मान नहीं रहे। महाप्रभु बोल रहे भगवान का शक्ति का विकार है, भगवान का बहिरंगा शक्ति का विकार है जगत, और वो तो शक्ति मान नहीं रहा, तो जगत कहां से है? मतलब भगवान विकार ग्रस्त हो गया, भगवान अंडरगोइंग
Bhagavan himself going to undergo, Bhagavan himself going to undergo some deformation. Bhagavan khud vikar ho gaya. Arey, Bhagavan kaise vikar ho? Brahma vikar prastho hoke jagat ho. Jabki kalam bataya, jab Brahma niskalam anantam asish bhutam govindamadi purushantam. To har halat mein uska vichar galat hai. Aur un logon ka vichar se भगवान का नाम नित्य नहीं है, लेकिन हमारा वेदांत, वो लोगों का वेदांत लाए, हम खुल के दिखा देंगे तुम्हारा कहां गलती कहां है। हमारा वेदांतों में लिखा हुआ है अनावृति शब्द्यात दो बार बोला हुआ अंतिम श्लोक अनावृति शब्द्यात। हमारा वेदांतों का पहला श्लोक क्या है अथवा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसका बाप का श्लोक है जन्मादस्यतो। एक दो श्लोक का चर्चा करेंगे दो चार घंटा लग जाएगा, समय नहीं, वो लोग खाना चाहता है, क्या करूं मैं। पहला श्लोक है अथवा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये अथवा तो ब्रह्म जिज्ञासा को मैं इधर बैठ के प्रमाण कर दूं, अथा तो जिज्ञासा मतलब अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब अथा तो शब्द जिज्ञासा। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्त्वम यदक्षरम अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्त्वम यदक्षरम। यह बताए अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्त्वम जदक्षरम निवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतो। मायावादी सामने आए विचार कर दिखा दे मेरे को, लिखा है ना इसमें लिखा है जिसको तू ब्रह्म बोला है, ये गीता में जो बताया ओम इति एकाक्षरम जो ब्रह्म मंत्र है, इसको स्मरण करते करते जो शरीर छोड़े स्वजाति परमांग होते, ओम इति एकाक्षरम है ब्रह्म मंत्र जो है, जो स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ता है, स्मरण करते हुए छोड़े स्वजाति परमांग होते। तो मायावादी शब्द ब्रह्म माने नहीं, क्योंकि उसका तत्व तो शब्दों का नित्य भाव नहीं है। हमारा पास ओंकार का भी नित्य भाव है, महामंत्र का भी नित्य भाव है, ये लोग तो मानता नहीं, तो ये लोग कैसे स्थापन करें, संभव नहीं है। तो हमारा पहला वेदांतों में दो तीन श्लोक चार श्लोक के द्वारा उसका मायावाद को उखाड़ के फेंक दो, चार पांच श्लोक ज्यादा नहीं और आगे जाने का दरकार नहीं, चार पांच श्लोक को हम चर्चा करके से, जैसे हमने अभी बताया ना वेदांतों का अंतिम श्लोक क्या है, अनावृति शब्द यही बात तो भागवत में बताया, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापनाशनम अनादि निधनम ब्रह्म लिखा है, लेकिन ये लोग मानेगा नहीं। और हमने पिछले साल, हमको याद है, हमने इक्षतेर्ना शब्दम व्याख्या की पिछले साल, और इक्षतेर्ना शब्दम बताया, और आज तो समय भी नहीं है चर्चा करे, फिर भी एक दो एक श्लोक को थोड़ा बताया उठाया, चर्चा तो नहीं किया कर पाया, खैर छोड़ो। और इसमें और भी है विचार है, जिसमें बताया गया आत्म शब्द जो है ये कोई सामान्य नहीं होता है, आत्म शब्द का रियलिटी होता है। आत्म शब्द जो अप्राकृत शब्द ब्रह्म है, आत्म शब्द मतलब अप्राकृत शब्द ब्रह्म, इसका रियलिटी होता है। लेकिन मायावादी का शब्दों का कोई विषय नहीं है,
वो सिर्फ ऊपर जाके भगवान का ब्रह्म का जो चियार है, कुर्सी है, ब्रह्म का साक्षात ब्रह्म का जो जद ब्रह्म साक्षात कृतनिष्ठयापि बिना समयात बिना भोगई अपैति नाम स्मरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरोति वेदा। रूप गोस्वामी बात दिखा, लेकिन ये लोग कुछ न माने, ये लोग मानना नहीं चाहता है, तो ये लोग असत क्या करे, उपाय भी नहीं है। ये लोग मानना नहीं चाहे, ये मायावाद क्षेत्रों में बैठ के ओपन सभा में ये वेदांत तो चर्चा करना जरूरी है गौड़ीय मठ के तरफ से, लेकिन कोई नहीं करना चाहता। बड़ा दुख की बात है, आज अगर केशव गोस्वामी महाराज होता तो इसका खोपड़ी धुलाई कर देता, कोई है नहीं, कुछ करने का तैयार नहीं, सब खाओ पियो छोड़ो, जो भी है छोड़ो, आप चर्चा करने का टाइम भी नहीं, तुम्हारा खाने का टाइम हो गया आप लोगों का, तो आप जाओ ठीक है। तो किस श्लोक दे के शुरुआत किया है उसका साथ थोड़ा लिंक जोड़ दे, किस श्लोक दे के शुरू कर दिया, किस श्लोक दे के शुरू किया, याद है, है? किस श्लोक दे के शुरू किया हमने शुरुआत किया, जो वो जो कहते रहते हैं ना, वो परंपरा के, परंपरा के बारे में जो श्लोक बताया पहले शुरुआत में, वो श्लोक में बताया जो परंपरा का अनुसार कोई अपने को चलाना चाहता है और कभी कभी अपना मनमानी भी चलाना चाहता है, इसलिए जितना सारे ऊटपटांग विचार है वो आ रहा है हमारा सामने और कोई उपाय भी नहीं है। आज यही कथा का विश्राम दे दे, अगर समय हो तो बाद में फिर चर्चा करेंगे, हमको याद रहेगा कहाँ तक चर्चा किया है, तो बाद में फिर चर्चा करें। वांछा कर पुत्र वश्य के पासिंदु में वश्य पतितानं पावनेभ्यो